I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move. वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो हम भी अच्छे हैं। और आज है ट्यूसडे, तभी मैंने आज ट्यूसडे नहीं सॉरी थर्सडे है आज, तभी आज मैंने येलो कुर्ता वेयर किया है। वैसे तो कुछ ऐसा खास नहीं होता कि मतलब ये डे है मैं ये डालूं, बट कभी कभार याद आ जाता तो डाल लेती हूँ। और बस थोड़ी देर पहले सोकर उठी हूँ, बस मैंने अभी कॉम वगैरह की है जिसमें से मेरे बाल निकल गए हैं। ये देखो छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना वो निकल जाते हैं, ये देखो बाल निकल गए हैं। एनीवेज अभी क्या है, शाम का टाइम हो चुका है, 4:30 हो रहे हैं और नन्नू को मैं उठाने की कोशिश कर रही थी देर से, लेकिन ये उठ नहीं रहा। ये देखो सो रहा है, इसका ट्यूशन का टाइम होने वाला है। और इसकी तबीयत अब पहले से बेटर है, कल तक तो इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, इसको गर्म पानी वगैरह देती रही, तभी मैंने कल व्लॉग नहीं किया। और परसों ट्यूसडे को तो पूरा क्लीनिंग में निकल गया। कल भी मैंने अलमीरा को क्लीन वगैरह किया और ये वाला फ़ैन क्लीन किया था इधर वाला, और थोड़ा सा डस्टिंग का काम करना था वो कर लिया था। फिर मैंने ब्लॉक किया नहीं क्योंकि कल मेरी तबीयत भी ढीली थी, तो ढीला ढीला करके मतलब थोड़ी देर रेस्ट करके काम कर रही थी, ऐसे कर रही थी। फिर उसमें ब्लॉग में मज़ा नहीं आता, आप सबको पता है। और ब्लॉग के चक्कर में ना मतलब टाइम वो टाइम जाता है जो कि मेरे जैसे जो ब्लॉगर होंगे वही समझ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को कैप्चर करने के लिए फ़ोन कहीं ना कहीं सेट करना पड़ता है। अगर हम सेट नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको नहीं दिखेंगी। तो मेरा ये था कि तबीयत भी ठीक नहीं है तो जल्दी जल्दी काम कर लूँ और ब्लॉग के चक्कर में ना रहकर, नहीं तो पूरा दिन निकल जाता है। और इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ये भी थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा था, अभी फ़िलहाल ठीक। कोई भी बीमार चले तो सबका नंबर आता जाता है, और वो ना मतलब डबल डबल बार आता है, एक बार नहीं आता, डबल डबल बार ही आता है, और वही चीज़ें चल रही। आज मेरे को बनानी है कड़ी की सब्ज़ी, क्योंकि ये बहुत दिन से बोल रहा है कड़ी खानी है कड़ी खानी है। अब इसका गला ठीक हो गया तो आज मैं कड़ी बना लूँगी, अभी बना लूँगी जल्दी बना लूँगी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान लेकर आना है। और 10 तारीख से आई गेस 10 से 11 से सराज स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस बीच कुछ नए मतलब कोई चीज़ नहीं लेते हैं, नहीं खरीदते हैं, हमारे में तो नहीं लेते, आप में लेते नहीं लेते बताना जरूर। वो चीज़ मेरे को जो लेनी है तो मैं सोच लूँ आज या कल मैं जाके ले आऊँ, जहाँ तक है आज ही मैं ले आऊँगी, क्योंकि मेरे को सब्र नहीं होगा उस चीज़ का, तो वो आपको आगे वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ लेकर आ रही हूँ। और उससे मुझे मेकओवर करना है, तो बहुत 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 इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। और वो ना मतलब मैं आपको बताऊँ तो मैंने माइंड में ही सोच रखा है कि मुझे वो चीज़ वैसे करनी है, फिंगर क्रॉस कि वो चीज़ वैसे बन जाए जैसे कि मैं सोच रही हूँ, बन गई ना मतलब मेरे पैसे वसूल और मेरा दिमाग काम हो जाएगा। तो चलो अभी बातें बाद में करते हैं, क्योंकि बातों में ब्लॉग निकल जाएगा, क्योंकि अभी भी 4 मिनट का हो गया है। तो चलो अभी पहले इसको हम उठाते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। Move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the best. तो नन्नू उठ चुका है और यहाँ पर मैं इसको रेडी कर रही थी ट्यूशन के लिए, नोटबुक्स रख रही थी और साथ ही साथ इसको मैंने कुछ खिला पिला भी दिया था, बस अब इसको रेडी करना है, इतने में इसके पापा आ जाएंगे। अरे, अरे, सकते हैं? अरे कहीं नहीं जाना, ये देखो तैयार हो दो हल्का सा, और हल्का सा तैयार किया, लिपस्टिक बिंदी लगाई और सूट डाला है, ना कहीं जाना है, गंदा रहा ऊपर। I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. तो देख लो हस्बैंड की बातें और बच्चों की बातें देख लो, मतलब थोड़ा सा तैयार क्या हो जाओ, इनको लगता है कि कहीं जाना है। नन्नू तो ना मैक्सिमम पूछ चुका है, जैसे कि मैं रेडी होकर इसको स्कूल कई बार लेने जाती हूँ तो मुझसे पूछता है कि मम्मा कहीं गए थे, मैं बोलती हूँ नहीं, तो अच्छा फिर कहीं जाना होगा अब जो इतना रेडी हो गया, मतलब कभी कभार रेडी हो जाओ ना तो बच्चों को लगता है कहीं जाना, और हस्बैंड को भी शक होने लग जाता है कि कहीं जाना है जो तू इतना रेडी हो गई। और इतना भी क्या होती, मैं बिंदी और लिपस्टिक लगाती हूँ, आप तो देखते ही हो मुझे। तो बस मैं आ गई थी किचन में और मैं यहाँ पर कढ़ी की तैयारी कर रही थी, तो मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया, तेल मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया
है। बेसन को छान लेंगे ताकि उसमें कोई लम्स ना रहे, लम्स रह जाते तो कढ़ी अच्छी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो यहाँ पर मैंने छान लिया है और मैक्सिमम मैंने 2 करछी जितना इसमें बेसन लिया था और लस्सी मैंने थोड़ी कम मतलब यूज़ की थी। तो इसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी, नमक और सूखा धनिया डाल दिया है और थोड़ी थोड़ी लस्सी डाल के इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी थोड़ी करके डालना है, एकदम से नहीं डालना है ताकि वही बात हो जाएगी, अगर एक साथ डाल देंगे तो लम्स रह जाते हैं, बबल छोड़ जाता है ये, फिर वो अच्छी नहीं बनती है। तो थोड़े थोड़े डाल के इसको मिक्स करेंगे और लस्सी ना ज़्यादा खट्टी थी ना ज़्यादा मतलब फीकी, मतलब जिसको कहते हैं मतलब मीठी नहीं थी, तो ठीक थी। कढ़ी बहुत अच्छी बनी और इस टाइप की ना कढ़ी बहुत अच्छी बनती है। ज़्यादा खट्टी जो बन जाती है ना वो फिर खाई नहीं जाती है, उस टाइम तो खाई जाती है गर्मा गर्म, फिर ठंडा होने के बाद नहीं खाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने उसको बैटर को रेडी कर लिया है और इसमें मैंने जीरा, हींग, मेथरा और तेजपत्ता और हींग के साथ मैं इसको डाल दूंगी, सारे सामान को एक साथ डाल दूंगी। और लौंग भी मैंने लिए थे, 4 लौंग लिए थे, उसको अच्छे से पीस लिया था, तेल मेरा गर्म हो चुका था। और इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है, कड़ी पत्ता मैंने वॉश करके डाला है क्योंकि वॉश नहीं था ना, वॉश करके डाल दिया है। और इसको ना फूटने देंगे जब तक ये फूट ना जाए। तो जो इसमें मैंने मेथी देना, हींग वगैरह डाला था ना, वो सब चीज़ें फूट चुकी है। तो इसमें हम बैटर को डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने आधा जग जितना पानी अभी डाला है, मतलब पूरा 1 से 1.5 जग मैंने डाला है और इसको अच्छे से बॉईल करने देंगे। जितना बॉईल होएगी ना कढ़ी, कढ़ी का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा। पूरा ये बॉईल पे जाता है और इसको बीच बीच में हिलाते रहना, अगर नहीं हिलाओगे तो कढ़ी फट जाएगी। तो इसको आपको टाइम दे के ही बनाना होगा। हमारी कढ़ी बनती है तब तक मैं ऊपर के कपड़े, जो ऊपर कपड़े खड़े हैं वो उतार के आती हूँ और फिर आएंगे पकोड़े बनाएंगे। देखती हूँ पकोड़े मार्केट जाने के बाद, आने के बाद पता नहीं। हस्बैंड ऊपर पहुँच चुके हैं, ननदी जिम जा चुका है, तो अभी हम ऊपर चलते हैं। और ये देखो, आज देखो कितना तूफान मचा था, कितने बम फोड़े थे मैंने। ये देखो सी, ये देखो छोटे छोटे, ये देखो सारे बम ही बम है। ये क्या था, कर ले जो काम करने है। पैर रखती बम, बंदर आ गया था आज फिर से। और मेरे पति देव को समझ नहीं आती है, जब इनकी बीवी को बंदर काट जाएगा ना तब इनके समझ आएगी। बंदर कहता है चलो भाई हम ही मिला, नहीं हम मिलाते हैं। क्या बताओ, चलो ठीक है। मैं तो डर गई थी ऊपर, मैं झाड़ू भी यही छोड़ गई थी बंदर को देखने के चक्कर में। वो यहाँ पर बैठा, मैं आई गेट बंद करने के लिए, मैंने कहा बंद कर दे सीधा। हाय वो यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर झाड़ू छोड़ के मैं नीचे भाग गई। यहाँ पे तेरी झाड़ू पड़ी है तो यहीं पे तो था, क्या है तेरी हूँ। ऊपर आई वो एकदम से यहाँ, ये देखो जैसे वो हीरो एंट्री नहीं मारते, यहाँ से धीरे आगे यहाँ पर आगे बैठ गया। अच्छा जा रहा हूँ, क्या पता अंदर आ जाए तुम्हारी अपनी, फिर कहे गया पति खेलने मैं चला जाता हूँ। हैं long time I'm alright, I've seen a lot of change, been through a lot of... तो इस टाइम पे मैंने आधा जग और पानी डाल दिया था और इसको अच्छे से हिला लिया है तेज पे। ये देखो कढ़ी बन रही है, बहुत ही अच्छे से पक रही है, पकना इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप लोग कैसे बनाते हो बताइएगा ज़रूर। कढ़ी मेरी बन चुकी है और जिसमें से मैं 2 कटोरी खा भी चुकी हूँ बनते बनते, तो मैं आपको दिखाती हूँ। टाइम हो गया है 6:30 होने वाले हैं। बीच में ना मैं वीडियो एडिट करने लग गई थी क्योंकि मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था, वॉइस ओवर कर रही थी कढ़ी खाते खाते। एंड कढ़ी मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ गर्म है, बंद कर लिया मैंने अभी। पकोड़े रहते हैं, पकोड़े बनाने हैं। ये देखो सी, ये रही हमारी कढ़ी, ये देखो यहाँ तक आई थी सी, उबलते उबलते कितनी हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही टेस्टी। तो इसको मैंने वैसा बनाया है, इसको मैंने उतना गाढ़ा रखा है जो कि हम इसको क्या कहते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी। मैंने कुछ प्लेट्स लगा दी हैं जो मेरी एक्स्ट्रा थी, ये डक वाली थी, इसको यूज़ नहीं करती थी तो मैंने एज अ डेकोरेट लगा दिया, डेकोरेट के हिसाब से लगा दिया। और एक मैंने यहाँ पर लगाई है जो कि टेढ़ी होती जा रही है, देखो सीधी नहीं हो रही,
ये ना टूट भी गई थी थोड़ी सी, बट फिर भी मैंने लगा दी है, अच्छी लग रही है। मेरे को तो अच्छी लग रही है, आप लोग बताना कैसा कैसी लग रही है बॉल। बाकी ये देखो दूध बॉयल हो चुका है, अभी चलते हैं मार्केट। चलो मार्केट में नहीं करूँगी कुछ भी शूट, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं नहीं करूँगी, और करना भी मेरे को सेफ नहीं लगता। और सेफ भी क्या यार, सारे ऐसे घूर घूर के देखते जैसे कि पहली बार देख रहे इंसान को। मैं दुपट्टा ले लेती हूँ, इंसान है ये, बहुत चालू इंसान है। मैं मार्केट गई थी और मैंने वहाँ से जूस पी लिया, और मैंने इनको बताया मैं जूस पी कर आई, तब से सुना रहे मेरे को, और मेरे कल पेट में दर्द हुआ था, उसके जिम्मेदारी ये आदमी। चलो चले एफ आई आर कराने, चले एफ आई आर कराने। मैं पापा ने नहीं बनाया, कितनी बार बताया है आपको, मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनती। फिर कुछ नहीं करती हूँ मैं, कुछ जाऊँ ले लो। अगर मैं, अगर कल को मुझे कुछ होता है, कल को कुछ भी होता है मेरे साथ में, अगर मेरी वीडियोस नहीं आती है, और मान लेना कि इस आदमी ने मेरे साथ कुछ करा, दीदी या मेरे को प्रेशर करा है मेरे आदमी ने कि मैं कूद गई, या फिर मैंने कुछ एक्स वाई जेड कुछ भी कर लिया, कूदेगी तो मरने का कुछ तो मिलेगा। देख रहे हो, कह रहे अगर मैं मरूंगी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये कितनी खुशी हो रही है इनको, इनकी भी अगर मेरे को कुछ हो गया ना, इनको किसी ने पूछना भी नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। जूस क्या पिया ही, और मैं वो पक्का है कल मेरी तबीयत खराब होएगी यार। As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. तो हस्बैंड से बातें करते करते टाइम हो गया था नन्नू के ट्यूशन का, तो हम नन्नू को ट्यूशन लेने चले गए थे, और वेजेस भी लेनी थी तो वेजेस भी लेने गए थे। और आते के साथ ही मैंने पूजा कर ली है, और नन्नू ने भी माथा वगैरह टेक लिया। यहाँ पर आके थे किसी का फ़ोन, बात करते करते मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए, और जो सब्जियां लेकर आई थी ना उनको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी, जिनको फ्रिज में रखना है फ्रिज में रख दूंगी, आलू प्याज को मैं रख दूंगी बाहर। और यहाँ पर मैं अभी कर रही थी गोभी को कट, ताकि मैं इसको रख दूँ फ्रिज में, बट अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ, इसको हम बाद में करेंगे। और मैंने ना पकोड़े नहीं बनाए, क्योंकि हस्बैंड ने मना कर दिया था कि पकोड़े मत बनाओ, कढ़ी हम ऐसे ही खाएंगे, तो मैंने इसलिए चावल रख दिए। और कढ़ी मेरी तो पहले ही बन चुकी थी, तो मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ, चलते हैं डिनर। तो डिनर बन चुका है, नन्नू की आज फेवरेट क्या बनी है, कढ़ी। और अगर आज इसने कढ़ी नहीं खाई तो हम इसका बनाएंगे कड़ा। नन्नू का क्या बनाएंगे, कड़ा, अगर इसने नहीं खाई तो। कड़ा ही होता है, इसको घुमा घुमा के भूत बना दूंगी। इतने दिन से कड़ी कड़ी बोल रहा था, आज बनाई है मैंने इसके लिए कड़ी, देख रहे। लेकिन ये लड़का भी वेट कर रहा है, ठंडी हो जाएगी तब खाएगा। और ये गंदा बच्चा, तो मैंने भी ले लिया अपने चावल, जो कि अपने पति की लैंग्वेज में बोले तो हम कौन है, है? नहीं मेरे को नहीं पूछना। अच्छा ठीक है, इसकी इसकी अलग ही बात होती है। मैं क्या भूल गया, ये रही कड़ी। कैसी बनी है कड़ी, अच्छी बनी है ना। और ये रहे मेरे चावल, और ये रही मेरी आधी रोटी। तो रोटी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बोला था कि खाली चावल नहीं खाने हैं, रोटी खानी चाहिए, आधी खाओ चाय पूरी खानी, रोटी है साथ में। तो पहले हम लपेटेंगे चावल, फिर हम लपेटेंगे रोटी, तो इसलिए मैंने चावल थोड़े से ही लिए हैं। और नन्नू का कोल्ड अभी भी जारी है, मेरी चुन्नी से लपेटे जा रहा है ये, ये चाह रहा है कि पापा की मार भी खाऊं पहले फिर खाएगा।
कल नन्नू फिर स्कूल में कड़ी लेके जाएगा जी। लेकिन बैग में गिर जाएगी है ना। तो चलो गाइस डिनर करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। Move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. मैं आ गई थी सीधा किचन में किचन को क्लीन करने के लिए, और यहाँ पर मैंने फ़ोन रख दिया है उसकी जगह पे। यहाँ पर सीरियल चल रहे हैं, मैंने एयरबड को ना कनेक्ट कर लिया था, और साथ ही साथ गोभी को भी कट करके रख दिया है फ्रिज में। एंड बर्तन मेरे हो चुके हैं, बर्तन के साथ साथ अभी कर लेते हैं काउंटर टॉप को और कुक टॉप को क्लीन, साथ साथ सीरियल चल रहा है। तो चलो गाइज इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड यहीं करती हूँ। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा। और हाँ, बर्नर्स की वीडियो ना मैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये वाला व्लॉग ऑलरेडी बहुत लेंथी हो गया था। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।